एक तरफ रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। इस बीच भारत के नास्त्रदमस कहे जाने वाले कुशल कुमार ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। कुशल कुमार ने कहा है कि अगले 48 घंटे के भीतर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। कुशल ने 18 जून की तारीख बताई है और कहा है कि अगले 2 दिनों में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। कुशल कुमार के मुताबिक भारत और पाकिस्तान सीमा पर आतंकी हमले, उत्तर कोरिया की सेना का दक्षिण कोरिया के सीमा क्षेत्र में दाखिल होने के साथ इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष का बढ़ना, ये सब विश्व युद्ध शुरू होने के संकेत हैं। कुशल कुमार ने मीडियम पर एक पोस्ट में इससे जुड़ी जानकारी शेयर की, इसे लिंक्डइन पर भी शेयर किया गया है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर 18 जून को शुरू होने वाला है। उन्होंने ये भविष्यवाणी मई में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद की थी। कुशल कुमार की भविष्यवाणी के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 3 के आसार देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 48 घंटे काफी क्रूशियल होंगे। इन्हीं घंटों में युद्ध छिड़ने की प्रबल संभावना बन रही है। तीसरा विश्व युद्ध मानव जाति के लिए महा विनाश लेकर आएगा। उन्होंने कहा है कि आसमान से सैटेलाइट टूट टूट कर नीचे गिर जाएंगे, जंगल जलकर राख हो जाएंगे और विश्व में न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाएगा। तमाम देश एक दूसरे के साथ लड़ मरेंगे और ये युद्ध पूरी दुनिया तबाह कर देगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर कुशल ने लिखा है कि राजनीतिक परिदृश्य में उथल पुथल से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ जगहों पर सेना पूरी तरह कंट्रोल ले सकती है। उन्होंने उस तारीख का भी खुलासा किया है जिसमें माना जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ जाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, मंगलवार 18 जून 2024 को विश्व युद्ध को ट्रिगर करने के लिए सबसे मजबूत गृह उत्तेजना है। हालांकि 10 और 29 जून महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आपको बता दें कि कुशल कुमार को नया नास्त्रदमस भी कहा जाता है। कुशल कुमार एक ज्योतिष है जो विश्व की कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। इसके लिए वो वैदिक ज्योतिष चार्ट की मदद लेते हैं। हिंदू संस्कृति में लोकप्रिय वैदिक ज्योतिष चार्ट को हमारे कर्म का मानचित्र माना जाता है। कुशल ने पहले भविष्यवाणी की थी कि इजराइल और हमास, रूस और नाटो, चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि नास्त्रदमस कौन थे तो ये भी जान लीजिए, मिशेल डी नास्त्रदमस एक फ्रांसीसी ज्योतिष थे जो 1555 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेस प्रोफेटीज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कथित तौर पर ये पुस्तक भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने वाली 1942 काव्यात्मक यात्राओं का एक संग्रह था। नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में लंदन की भीषण आग, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन और एडोल्फ हिटलर का उदय, दोनों विश्व युद्ध से लेकर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले तक की घटनाओं का जिक्र मिलता है। इसके अलावा अपनी किताब में उन्होंने 1969 में अपोलो मून लैंडिंग, 1986 में स्पेस शटल चैलेंजर आपदा, 1977 में वेल्स की राजकुमारी डायना की मौत और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 के हमले की भी भविष्यवाणी की थी। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया के तमाम खबर